हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नया साल आ चुका है और आज 1 जनवरी 2021 है, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नया साल है तो नए साल में मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल रेसिपी। तो आप गेस करिए कि क्या बनाने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैं बनाने वाली हूँ, मैं ही बता देती हूँ क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं ही बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज वेज बिरयानी और साथ में बनाऊंगी बेसन का हलवा मीठे में। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ देखिए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और 2020 का क्या कहें, भगवान करे कि ऐसा साल जिंदगी में कभी भी किसी के लिए, मतलब इस तरीके का साल फिर ना आए कभी भी। काफ़ी सब कुछ हम सब ने फेस किया है और पूरे संसार ने ही, पर क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती है ना, तो वही है। तो चलो हम, मैं शुरू करती हूँ वेज बिरयानी नए साल में नई एनर्जी के साथ। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ तैयारी करी है, मैं आपको सारी तैयारी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्रेश फ्रेश हरा धनिया है जिसे साफ करके रख लिया है, ये पुदीना है जिसे भी मैंने साफ करके रख लिया है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लेनी हैं जैसे कि गोभी, प्याज, टमाटर, बीन्स फली और गाजर, इस तरीके से सब्जियाँ ली है। इन्हें भी मैंने छील करके धो के रखा है, अभी काटने वाली हूँ। और साथ में मैंने ये बासमती राइस ले लिया है, बिरयानी में बासमती राइस ही काफ़ी अच्छा, मतलब बनती है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो अच्छी खुशबू वाली क्वालिटी का अगर आप लेंगे ना तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा महकती हुई खुशबूदार बनेगी। और यहाँ पर देखिए मैंने केसर है जिसको कि भिगो करके रख लिया है। और साथ में ये मैं कर्ड ले रही हूँ, दही ले रही हूँ। और साथ में मैं ले रही हूँ ये एवरेस्ट का शाही मसाला, बिरयानी मसाला। और आपको एक स्पेशल चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने स्पेशल ऑनलाइन ये हांडी ऑर्डर करी है स्पेशल ये वेज बिरयानी बनाने के लिए। और मैं फर्स्ट टाइम ही ये दम वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो ये हांडी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, तो जो मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। पर इस हांडी में मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ क्या आई है, इसका जो ढक्कन है ना, ये देखिए ये बिल्कुल सही सेट नहीं बैठ रहा, मतलब ये देख सकते हैं आप हल्की सी इसमें ना दरार जैसी दिख रही है, ये देखिए ये दरार सी आ रही है ना, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, फिट बैठना चाहिए ना, तो इस तरीके से। और चलिए अभी शुरू करती हूँ मैं बिरयानी बनाना। दम वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने बढ़िया क्वालिटी के बासमती चावल लिए हैं। इन्हें हल्के हाथों से पानी से मैं धो रही हूँ और धोने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं पानी में सोख होने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले हमें यही स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम ऑन कर दी है, इसमें डाल दिया है लगभग 1 गिलास तेल और तेल को बढ़िया सा गर्म होने देना है। अभी मैं तेल ज़्यादा ही ले रही हूँ, बाद में हम अनियन फ्राई करने के बाद बचा हुआ तेल को निकाल देंगे। मैंने यहाँ 5 से 6 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं जिन्हें कि देखिए लंबाई की शेप में काटा है। यहाँ पर आप एक स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, अगर आपको चाहिए कि प्याज आपका जल्दी से फ्राई हो तो आप इसे हल्का बारीक काटिएगा, मैंने हल्का मोटा काटा है तो इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। तो फाइनली ये फ्राई हो चुका है। और एक टिप का और ध्यान रखिएगा, जब लास्ट टाइम में होता है ना प्याज फ्राई होते होते, तो आपको फ्लेम को बंद करते हुए 30 सेकेंड तक आपको गर्म तेल में ही इसे फ्राई कर लेना है, इससे प्याज आपका जलेगा नहीं। तो देखिए कितना सुनहरी सा ये फ्राई हो चुका है और अब इसे मैं निकाल रही हूँ। अब सेम ही कढ़ाई से मैं बचा हुआ तेल को निकाल दूंगी, ये देखिए निकाल दिया है। और कम से कम 1 कड़छी तेल में इसमें रहने दूंगी और इसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ सब्जियाँ। अगर आपको अपनी वेज बिरयानी का टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा देना है तो आप इन सब्जियों को फ्राई करिएगा, फ्राई करने से इसका टेस्ट
बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो आप इन्हें हल्का सा स्टीम दे करके भी बना सकते हैं या फिर ग्रेवी में पकाते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई करके बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आने वाला है। तो मैंने सब्जियों में गोभी, गाजर, बीन्स की फलियाँ, शिमला मिर्च ले ली हैं, जिन्हें रफली सा चॉप किया है। इन्हें ज़्यादा बारीक सा चॉप नहीं करना है, ज़्यादा बारीक चॉप कर लेंगे तो क्या होगा, सब्जियाँ हमारी घुल जाएंगी। तो हमें हल्की खड़ी खड़ी सब्जियाँ चाहिए, तो इस वजह से मैंने इन्हें रफली सा ही चॉप किया हुआ है और फ्राई कर लिया है। 50% फ्राई हो चुकी है, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, बाकी हम इसे दम लगा के पकाएंगे। तो मैं अब इन्हें निकाल लेती हूँ। और सेम ही कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के आसपास तेल लिया है, और तेल वही सेम ही तेल है, और इसी बचे हुए तेल में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद में अब इसमें मैं ले रही हूँ देगी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर बहुत बहुत बढ़िया आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर से मिलाइएगा देगी लाल मिर्च पाउडर को। साथ में हल्दी पाउडर ले लिया है, और बस इसे अच्छे से जिंजर गार्लिक में मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैंने 3 टमाटर थे जिनकी की ग्रेवी बना ली है, और अब इसके अंदर मैं इस ग्रेवी को भी मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। और अब इसे मैं अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। और अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, और ग्रेवी को हल्का सा पकने देना है ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें मैं मसाले मिला रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले ले लिया है वेज बिरयानी मसाला 2 चम्मच, और साथ में ले लिया धनिया पाउडर 2 चम्मच। तो ये देखिए हमारी क्रीमी सी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। और अब जो हमने 50% सब्जियां फ्राई करी थी, अब इस ग्रेवी में हम इन्हें मिला देंगे। और जितना हमें नमक सब्जियों के लिए चाहिए सिर्फ उतना ही नमक अभी हम इसमें मिलाएंगे। तो मैंने लगभग 2 टीस्पून के आसपास नमक लिया है, और अब इसे सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियां ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें हम मिलाने वाले हैं दही। ध्यान रहे दही को ग्रेवी के बीच में नहीं मिलाना है। अगर आप ग्रेवी के बीच में मिलाना चाहते हैं तो ग्रेवी को पहले प्रॉपरली ठंडा कर लें उसके बाद ही मिलाएं, नहीं तो दही फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका वो उतना टेस्ट भी नहीं आएगा। और अब लगभग मैंने 2 चम्मच के आसपास या 2 से 3 चम्मच के आसपास पानी भी मिला दिया है, ताकि हमारी जो गर्म कढ़ाई है, क्योंकि अभी हम इसमें ग्रेवी पका रहे थे तो कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, तो गर्म कढ़ाई थी तो अगर हम इसमें लगभग आधा कप पानी मिला लेते हैं तो वो गर्म कढ़ाई भी हमारी ठंडी हो जाएगी। तो इससे क्या है, हमारा दही फटेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो ये देखिए हमारी सब्जियाँ, ग्रेवी सब बनके तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए जब इसे मिक्स करते जाना है और कंटिन्यूसली चलाते जाना है, जब दही मिलाते हैं तो चाहे ठंडा भी हो तो भी कंटिन्यूसली सब्जियों में मिक्स करते जाना है, ताकि ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ तक तो हमारा सारा डन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं राइस। तो राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसमें ले लिए हैं लगभग 4 गिलास पानी। मैंने 2 गिलास राइस लिए हैं चावल, और 4 गिलास पानी ले रही हूँ। फ्लेम को हाई कर दिया है, और पानी मिलाने के बाद में अब इसमें मैं साबुत मसाले मिलाने वाली हूँ। तो मसाले अगर आपको कम लेने हो तो आप कम भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैं ले रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, और साथ में काली मिर्चें 5 से 6 दाने, और साथ में यहाँ चक्रफूल और जावित्री। तो ये जो मसाले आपको मिलाने हो उसमें मिला सकते हैं, बाकी मैंने फ़िलहाल इतने ही लिए हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई जिंजर भी मिला सकते हैं। और अब इसमें नमक मिला लेना है, नमक अच्छा खासा ले लेना है, क्योंकि इसमें से जब हम पानी को निकाल देंगे तो आधा नमक तो उस पानी में ही निकल जाता है। तो इस वजह से आपको लगभग यहाँ पर 4 टीस्पून के आसपास नमक ले लेना है 2 गिलास के हिसाब से। और ये जो हमने तेल निकाल के रखा था तो उसमें से मैं लगभग 1/2 चम्मच के आसपास तेल ले ले रही हूँ। तेल डालने से चावल खिले खिले भी बनते हैं और चिपकते भी नहीं हैं जल्दी से। और अब इसे कवर करके अच्छा सा उबाल आने देना है पानी में, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं उन सब का जितना भी फ्रेगनेंस है वो हमारे इस पानी में आ जाए, और जितनी भी खुशबू है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस मिलाने के कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला है कि हमारे चावल जल्दी से गलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, सफ़ेद बनेंगे और टेस्टी भी होंगे, हल्के खट्टे खट्टे भी होंगे। तो बस मैंने नींबू का रस डाल दिया है, और सारी चीज़ें मिलाने के बाद में अब इसमें जो हमने चावल भीगने के लिए रखे थे उनका पानी को मैंने निकाल दिया था,
15 से 20 मिनट ही इन्हें भिगोया था पानी में, उसके बाद मैंने पानी को निकाल दिया था और अब इन चावल को इसमें ऐड कर दिया है। और देखिए हल्का सा मैं चला लूँगी, अब इन्हें खुले में ही पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें सिर्फ 50% ही पकाना है, क्योंकि सब्जियां भी 50% पकी हैं तो राइस को भी 50% ही पकाना है। तो लगभग हमें इसे 4 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे 50% पक चुके हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इंस्टेंट ही इसके पानी को छान के अलग कर लेना है। तो मैंने पहले से ही छन्नी तैयार करके रखी हुई थी और इसमें मैं चावल को छान ले रही हूँ और इसका जो बचा हुआ पानी है वो सारा का सारा निकल गया है और चावल हमारे आ चुके हैं छन्नी में, ये देखिए। और इसका जो पानी है ना चावल का, इसमें से हम लगभग 2 से 3 कड़छी निकाल के रख लेंगे, जब हम दम लगाएंगे तो उसमें ये पानी काम आने वाला है। अब मैंने एक हांडी ले ली है, ये मिट्टी की हांडी है, बट यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नमकीन चीज़ें कभी हांडी में नहीं खाई हो तो एक बार आप हल्की सी कोई रेसिपी बना करके देख लीजिएगा, तभी आप नमकीन रेसिपी को ट्राई करिएगा, क्योंकि बेसिकली हांडी या मिट्टी के बर्तन में आपके मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ये मिट्टी की हांडी का यूज़ नहीं करना हो तो आप स्टील की हांडी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब्जी की लेयर लगा दी है एक सबसे पहले, ये देखिए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था ना सबसे स्टार्टिंग में, अब उस प्याज की एक लेयर लगा देंगे। और अब मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं और अब यहाँ पर मैं धनिया ले रही हूँ, ये हरा धनिया है। धनिया जो है हमें डबल क्वांटिटी में लेना है और पुदीना, अब ये देखिए अब मैं पुदीना डाल रही हूँ, पुदीना हमें कम क्वांटिटी में लेना है। और अब ये जो राइस है इनको हमें इसे फैला देना है। यहाँ पर अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को बताया है उसी तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि राइस को हमें पहले बना करके नहीं रखना है। अगर राइस को हम पहले बना के रख लेंगे ना तो वो आपका जो बढ़िया तरीके वाला दम है ना वो नहीं लगने वाला है, तो हमें गरम गरम राइस को ही यूज़ करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइस में से कितना अच्छा खासा धुआं निकल रहा है, तो गरम गरम राइस को ही मैंने इसकी यूज़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पर फिर से प्याज की लेयर लगाएंगे, तो मतलब हमें लेयर वाइज लेयर ऐसे ही इन्हें सजाना है, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप को किया है वैसे हमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते जाना है। तो जैसे जैसे पहले राइस की लेयर, उसके बाद अनियन की लेयर जो फ्राइड अनियन है, उसके बाद हमें धनिया की लेयर, उसके बाद हमने यहाँ पर पुदीने की लेयर लगा दी है और उसके बाद हरी मिर्चें और उसके बाद हमने फिर से सब्जी की लेयर लगा दी जो हमने ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। तो इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अब फिर से मैं यहाँ पर राइस की लेयर लगा रही हूँ, तो हमें ऐसे ही बिरयानी को लेयर बाय लेयर सेट करना है। कम राइस हो तो आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास अच्छे खासे राइस थे तो मैंने 3 लेयर लगाई हैं और फिर से वही सारा का सारा स्टेप को मैं फॉलो करने वाली हूँ। अब जिस तेल में हमने अनियन फ्राई किया था तो वो तेल मैंने निकाल के रख लिया था, ये ऑलिव ऑयल है तो हेल्दी ऑयल है, इस वजह से मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में मैंने दूध में केसर भिगो के रखा था, इससे हमारे राइस में जो बीच बीच में वाइट राइस है ना तो उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब दम लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ चावल के पानी का, जो 2 से 3 मैंने कड़छी रखी हुई थी। सारी चीज़ें लगभग हमने सारा श्रृंगार कर दिया है और अब मैं लोई से इसके किनारों पर लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये चिपक सके, बिल्कुल भी एयर को पास नहीं करवाना है। और अब इस पे मैं लगा रही हूँ ढक्कन और बिल्कुल एयर अंदर नहीं जानी चाहिए और हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया है और लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए अब इस बिरयानी को हम पकने देंगे। धीमी धीमी आँच पर ही इसे पकाना है और लो जी 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी मैजिकल बिरयानी का क्या हालचाल है। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जादू का पिटारा खुल गया है और ये हमारी बिरयानी खिली खिली सी मज़ेदार दानेदार बनके तैयार हुई है। और किसी भी ना आपको फ्लैट
स्पून से ही बिरयानी को निकालना है ताकि सब्जियां कटे ना। तो ये आराम से इसे हमें या तो मिक्स कर लेना है या धीरे धीरे निकालते जाना है। और ये देखिए मज़ेदार बनी है ना, कितनी मज़ेदार, रेस्टोरेंट जैसी दानेदार खिली खिली, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि क्या बिरयानी बनी थी। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये वेज बिरयानी मेरी प्लेट में आ चुकी है और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया है। अब आपको यही लग रहा होगा कि मैं बोलने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी कि ये वेज बिरयानी में ना मिट्टी की खुशबू आने की वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया था और हम में से किसी को भी ये टेस्ट पसंद नहीं आया। मिट्टी की जो हांडी है ना, इसको मैंने बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी इसके अंदर बनाने के लिए। वैसे मैं पहले जो बनाती थी वो पतीली में ही बनाती थी, बट इस बार मैं स्पेशली मिट्टी के ही हांडी में बनाने चाहती थी। तो इसके लिए आपको मानोगे कि मैं पहले मार्केट गई, वहाँ से मिट्टी की हांडी लेके आई, वो उतनी मुझे परफेक्ट नहीं लगी। उसके बाद मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसमें फिर मैंने बनाई और आप देख सकते हैं इस टाइम मेरी शक्ल कितनी लटकी हुई उतरी हुई है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी सी खाई, उसके बाद हम सब सारे परिवार ने मैगी बना के खाई और ये बिल्कुल हमको फेंकनी पड़ी। फेंकनी क्या, हमने सोचा गाय को खिला देती हूँ, मैं गाय को गई खिलाने और सच मानो गाय ने भी जोर से लात मारी और वो वाली हमारी वेज बिरयानी को उसने भी टुकरा दिया। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी मेहनत के बाद इस वेज बिरयानी में बिल्कुल भी हमें टेस्ट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की हांडी की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बंद करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर, क्योंकि मेरा मूड हो चुका है बिल्कुल ऑफ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।